नमस्कार दोस्तों, कल ही हमने इस इंडिकेटर के बारे में वीडियो बनाई थी, जो दोस्तों अगर आपने नहीं देखी होगी तो उसे जरूर देख लेना। मैं इसे कल दो पार्ट में इसलिए बनाना चाहता था क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाती थी, ये उसका सेकंड पार्ट है। दोस्तों कल की वीडियो के अंदर इसके पूरे इंडिकेटर्स के डिटेल्स दिए, सेटिंग्स दिए, कैसे यूज करना दिए, कुछ बातें जो है दोस्तों वो आपको बताना रह गई थी, इसलिए मैं सेकेंड पार्ट इसका बना रहा हूँ। दोस्तों हमने कल डिस्कस किया था कि बाय कैसे करना है और सेल कैसे करना है। तो दोस्तों अगर आप उसके अंदर हमने स्टॉप लॉस और एग्जिट की बात नहीं की थी। दोस्तों अगर आप यहाँ पे सेल करते थे तो दोस्तों आपका जो एग्जिट है दोस्तों ये बाय कंडीशन आने पे होता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, आपने यहाँ पे सेल किया था या पुट बाय किया था, आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते थे। तो दोस्तों कितने नाइस तरीके से वर्क कर रहा है, देखो अब निफ्टी का ये लाइव चार्ट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं सेल का सिग्नल मिला हमें। आप इसको जब तक बाय नहीं आता तब तक भी रख सकते हैं, लेकिन दोस्तों अगर ऑप्शन में आप ट्रेड कर रहे हैं तो पोजीशन को कैरी करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों ये देखिए निफ्टी का चार्ट है, मैं अभी बैंक निफ्टी का भी आपको दिखा देता हूँ। ये बैंक निफ्टी का है दोस्तों, ये देखो कल ही हमने देखे यहाँ पे हमें बाय सिग्नल मिला और हमारी कंडीशन भी मैच हो गई थी, जो हमारी RSI की कंडीशन है मैंने कल आपको वीडियो में बताया, जिसके हिसाब से वो 50 के ऊपर होना चाहिए, तो वो यहाँ पे 50 के ऊपर था तो हमने बाय किया। तो दोस्तों हम कल अगर पोजीशन कैरी भी करते थे तो कल की बाय पोजीशन यहाँ पे एग्जिट हो जाती थी। स्टॉप लॉस जो है दोस्तों आप जिस कैंडल पे बाय कर रहे हैं उसके 10-20 पॉइंट का बफर रख के आप स्टॉप लॉस रख सकते। अगर आप यहाँ पे सेल किया दोस्तों, अपने को अपनी कंडीशन यहाँ पे मैच हुई तो इसके ऊपर आपको स्टॉप लॉस रखना है, यानी कि लगभग यही कहीं पे यहाँ पे स्टॉप लॉस आएगा आपका और इस कैंडल के लो के नीचे सेल आएगा। दोस्तों आप जान लेना इस कैंडल के लो के नीचे हम सेल करेंगे, वैसी बाय कंडीशन है, सॉरी बाय कंडीशन के अंदर दोस्तों इस कैंडल के हाई के ऊपर हम बाय करेंगे। स्टॉप स्टॉप लॉस जो है दोस्तों इस कैंडल के लो के नीचे रहेगा। तो दोस्तों यही चीजें आपको बतानी थी कि कल के वीडियो में ये कुछ चीजें मिस हो गई थी। तो दोस्तों अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो कल की वीडियो जरूर देखे, आपको मैं आई बटन में और डिस्क्रिप्शन के अंदर इसकी लिंक दे दूंगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।